डॉक्टर चिनारदेव साहब गरीबों के देवता मारे जाने वाले डॉक्टर थे। ये बहुत अच्छे डॉक्टर थे, अनेकों गरीबों की जान इसने बचाई, उनमें से हम भी एक हैं। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आज मन व्यथित है, गला रुंधा हुआ है। हम हैं अभी बेगूसराय के मझौल में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि IMA के भीष्म पितामह और चिकित्सा जगत का दीप्तिमान सितारा का अस्त कल शाम में हो गया। हम बात कर रहे हैं IMA के भीष्म पितामह और इस क्षेत्र के ही नहीं, पूरे बिहार के लोकप्रिय चिकित्सक, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर चंद्रदेव बाबू उर्फ सीताराम बाबू का। अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, जीवन के अंतिम सफर पे वो निकल गए हैं, पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। मैं किरदी स्टूडियो की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनको मोक्ष प्रदान करें। मृत्यु सत्य है, निश्चित है, हम सबको मरना है, लेकिन कृति अमर है। भले ही डॉक्टर चंद्रदेव बाबू सीताराम बाबू हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इस क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने चिकित्सा को जिस सेवा भाव से उन्होंने काम किया, उनकी यादें, उनकी कृति अमर रहेगी और वो लोगों के दिलों में बसेंगे। आइए मिलते हैं उन लोगों से जो यहाँ आए हुए हैं उनके दर्शन के लिए और जानते हैं उनकी कृति के बारे में, जिन्हें मेडिकल जगत में गुरुजी के नाम से जाना जाता था, डॉक्टर्स के डॉक्टर्स थे, साथ ही साथ अपने क्षेत्र में शिक्षा और संस्कार के लिए इन्होंने भविष्य भारती नामक विद्यालय की स्थापना की, साथ ही साथ ये साहित्यकार और कवि भी थे। इन्हें देश और समाज से काफ़ी प्रेम था, इसलिए इन्होंने राजनीतिक जीवन में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी एक बार प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नामांकित किया था। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रदेव उर्फ सीताराम बाबू जी के सुपुत्र हैं, आइए उनसे जानते हैं। आपके प्रति गहरी शोक संवेदना, लेकिन मृत्यु सत्य है, सबको इस धरती को छोड़कर पंच तत्व में विलीन होना है। डॉक्टर साहब भी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आप उनके पुत्र हैं और इस तरह दीप्तिमान सितारा का पुत्र होना, एक मसीहा का बेटा होना, चूँकि संपूर्ण परिवार समाज हित में, देश हित में शुरू से लगा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? एक पुत्र की जो व्यथा होती है पिता के प्रति, वही व्यथा है। और मुझे गर्व है जो मेरे पिताजी का सम्मान चिकित्सा जगत में, आम लोगों में हमेशा लोगों ने सम्मान किया और अभी भी सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत हित के लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा लोगों के लिए उन्होंने सोचा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जब भी किसी पद पर रहे तो हमेशा एसोसिएशन के की चिंता उनको रहती थी। वो सभी IMA के बुनियाद में थे और उनके साथ ही डॉक्टर AK सिन्हा जो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, बिना उनके कोई उनसे एडवाइस लिए संगठन के बारे में कोई काम नहीं करते थे। और इन्हें बार बार विभिन्न पदों पर आने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे जो मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं
IMA के फाउंडेशन में बस। और बाकी तो आपको मेरे पिताजी के बारे में अन्य लोग बताएंगे, कुछ चिकित्सा जगत के लोग बताएंगे। हमेशा समाज के लिए कुछ सोचना चाहिए, समाज के हित की बात करनी चाहिए, यही उनका था। उसी पद चिन्ह पर शुरू से अंत तक वो चलते रहे, अंतिम समय में भी उनको हमेशा चिंता रहती थी। पिता के खोने का गम जो होता है इनके चेहरे पे साफ देखा जा रहा है। मेरे पापा बहुत महान थे, वो सभी समाज और परिवार के लिए ही जिंदगी जिए, अपने लिए कभी नहीं सोचे, स्वार्थी नहीं थे। और क्या बोल सकते, बस परिवार वही हम जो समझा है वो हम अपने ससुराल में करके देख रहे थे। उनका इज्जत हम रखे, सर ऊंचा रखे, बस इतना ही, कर्तव्यशील रहे। डॉक्टर चंद्रदेव बहुत बड़े चिकित्सक थे और विलुप्त प्राय प्रजाति के चिकित्सक थे। ऐसे डॉक्टर जो खुद पैथोलॉजी का काम करते हों, नब्ज छूकर इलाज करते हों, और हजारों लोगों को, मरते हुए लोगों को उन्होंने ज़िंदगी दी। इनके पास लोग एडमिट ये नहीं करते थे, सलाइन भी नहीं चढ़ाते थे, लेकिन नब्ज छूकर लोगों का इलाज करना, ऐसे डॉक्टर अब आज की पीढ़ी में नहीं है। दूसरी बात, ये डॉक्टर सिर्फ नहीं थे, ये IMA बिहार के वाइस प्रेसिडेंट थे, बेगूसराय IMA के बरसों प्रेसिडेंट रहे। डॉक्टरों के बीच में इनको गुरुजी की उपाधि थी, जैसे ब्रिटिश सरकार सर की उपाधि देती थी वैसे इनको डॉक्टरों ने गुरु की उपाधि दी थी। और देश के अलग अलग हिस्सों से इस इलाके के लोग जो बीमार होकर लाइलाज हो जाते थे कि अब नहीं बचेगा, उनको ये जिंदा बचा देते थे। तो इनके पास सिर्फ ये डॉक्टर ही नहीं थे, इनके परिवार ने बहुत दान किया। बगल में राजकीय औषधालय, रेफरल अस्पताल, जमंगला हाई स्कूल, तमाम चीज़ों की स्थापना में इनके परिवार की भूमिका रही। इनके पिता, इनके चाचा बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। बिहार के श्री कृष्ण सिंह इनके पारिवारिक मित्र थे, इसलिए इस इलाके के बहुत बड़े मसीहा, बहुत बड़े डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर आज के दिन में यहाँ कोई है नहीं। जी जी, इसलिए डॉक्टर चंद्रदेव का जाना इस इलाके के लिए सूर्य का गुम होने की तरह का है। बड़ा ही योग्य फिजिशियन थे, बल्कि उस जमाने में दो डॉक्टर थे, एक बेगूसराय में संभी चौधरी रिफाइनरी में कहाँ थे वो, और इधर मंझौल में डॉक्टर सीताराम। इन दोनों में दोनों फिजिशियन दोनों में था, डायग्नोसिस भी बहुत अच्छे करते थे और उसके लायक दवा भी। दोनों को एक चिकित्सा जगत का, मैं कहता था कि दोनों बिहार के, ये बेगूसराय के विधान चंद्र रॉय हैं। सीताराम बाबू समझिए बिना एक्सरे के कह दिया करते थे, अरे आला लगाते, अरे तुमको ये नब टटोल के आला लगा कह देते थे, अरे लगता है कि तुमको ये पानी आ गया, तुम ये हो गया, तुमको टीबी हो गई है, तुमको बीमारी है, ये बीमारी है। इतना अगर सीताराम वो बाहर कहीं रहते, एक मैं तो बराबर कहता था कि सीताराम वो बड़े संपन्न घर के थे और बाप का अकेला बेटा थे, तो इनके मन में एक, हम इतना बड़ा धनी आदमी है, धन की, चूँकि जगता तभी जहान उसे जब विपद सताती है, तो इनको धन की कमी नहीं थी, अज्ञान का। और साथ साथ ये पटना में वहाँ पढ़ते थे, पटना PMCH में, और उसमें श्री बाबू मुख्यमंत्री थे, और श्री बाबू इनके परिवार में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। बल्कि ये जब वहाँ पटने में पढ़ते थे उसमें बीमार थे TB में, तो श्री बाबू जब पटना से बाहर कहीं जाते थे एक दो दिन के लिए तो घूम के आते थे, तो इनसे हॉस्पिटल में भेंट करने के लिए चले आते। उस जमाने का मुख्यमंत्री किसी को हॉस्टल, मेडिकल हॉस्टल में जाके भेंट करे, तो उस समय इसलिए सीताराम बाबू का सौभाग्य रहा कि बड़े बड़े डॉक्टर के नज़दीक इनको रहने का मौका मिला। उस कारण काफ़ी इनको सबका आशीर्वाद मिला, बहुत इन्होंने ज्ञान अर्जन किया, कुछ पढ़ने से, कुछ अनुभव से। अगर सीताराम बाहर रहते और थोड़ा सा ये बोलते कम, तो सीताराम वो कितना पैसा कमाते इसका कोई यानी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन चूँकि न धन की कमी थी, यानी कोई
इसीलिए सीताराम बाबू आज इतना अच्छा डॉक्टर थे, इतनी अच्छी उनकी डायग्नोसिस थी और उसके लिए इतनी दवा उपयुक्त दवा भी ये कर देते थे, बहुत अच्छे चिकित्सक थे जी। आज उनके निधन से मैं बड़ा दुखित हूँ और चिकित्सा जगत का ही तो एक आदमी चला गया, इस इलाका का एक बहुत 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 बड़ी रिक्ता हो गई। मुझे निकट भविष्य में उस स्थान को भरना मुझे संभव नहीं लग रहा है जी। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। वो डॉक्टर नहीं बल्कि मंझौल बेगूसराय के विभूति थे, महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा पीड़ित लोगों की सेवा करते रहे, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो। मैं बचपन से देखता आया हूँ कि उन्होंने शिक्षा के लिए पास भविष्य भारती इंस्टीट्यूट का निर्माण किए थे, उनके वो संस्थापक थे, तो उसमें हर समुदाय के लोग पढ़ते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सबका एक ही टाइटल हुआ करता था भारती, और इंस्टीट्यूट का भी नाम था भविष्य भारती। तो वहाँ पर भेदभाव जो होना था वो नहीं बल्कि सभी को एक दृष्टिकोण में रखकर वहाँ एजुकेशन दी जाती थी और इस तरह की शिक्षा व्यवस्था मंझौल में देखने को मिलती थी कि ये सबसे भिन्न थी मंझौल के लिए, आसपास के ग्रामीण इलाकों से बच्चे जो आते थे तो इसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते थे क्योंकि यहाँ का जो पढ़ाई का स्तर, सामाजिक जो व्यवस्था होती है बिल्कुल अन्य विद्यालयों से, अन्य संस्थान से डिफरेंट होती थी। और मैं चूँकि मेरा घर इनके घर के सामने है तो मैं बचपन से यहाँ आया करता था, तो हम लोगों को वो बैठाते थे एक, जैसे हम लोग अभी नेट पर मोटिवेशन क्लास देखते हैं, लेकिन वो खुद एक मोटिवेटर थे। हम लोगों को तरह तरह के शिक्षा ज्ञान विज्ञान से शिक्षित मतलब करते थे कि आप ऐसे पढ़ो, ये करो, जीवन में कुछ करो, समाज के लिए कार्य करो, और उन्हीं के ज्ञान के बदौलत मतलब मार्गदर्शन के बदौलत आज हम MA LLB किए हैं और उनके मार्गों का अनुसरण करते हैं। वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। डॉक्टर चंद्रदेव प्रसाद सिंह उर्फ सीताराम बाबू के निधन होने से इस गांव का ही नहीं, पबरा, महेशवारा, चेरिया बरियारपुर, शाहपुर, पहसारा, विक्रमपुर, बखरी, चेरिया बरियारपुर के पूरे तीनों भगवानपुर, ये सब तीनों ब्लॉक में जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति किसी कीमत पर कभी भी नहीं की जा सकती है। ये एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही गंभीर पेशेंट को भी देखने का लियाकत रखते थे और इनका डायग्नोसिस 100% सटीक होता था, जिससे पेशेंट को कम दवा लिखते थे और पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ होता था। उनके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि सबसे पहले उनकी आत्मा की शांति रहे, और मेरी नज़र में मैं उनका खास करके इस मायने में किया कि स्कूल उन्होंने खोला था शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोलने पर जिस विद्यार्थी ने उसमें नाम लिखाया, जो लड़का या लड़की, किसी को किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी मजहब से न जोड़ कर अलग करते हुए उन्होंने सबके पीछे एक भारती का शब्द लगाया, और मैं आज देव निरंजन भारती उन्हीं के स्कूल खोले हुए नाम पर मैं, मेरा सर्टिफिकेट है वो अंतिम तक भारती ही रह गया, और मेरे जैसे जितने भी इस गांव में और इस इलाके में जितने भी भारती हैं वो सब इसी भविष्य भारती के प्रोडक्ट को होते हुए सीताराम बाबू की याद में उनका नाम हम जीवन भर याद करते रहेंगे। हम तो इनके यहाँ करीब 11 साल का ये सर्टिफिकेट बना करके दिए, कंपाउंडर में बहुत दिन तक रहे, और इनकी जो इलाज की शैली थी वो शायद पटना के भी डॉक्टर उसको नहीं काट सकते थे। बहुत अच्छे थे और सभी को एक समान देखते थे। जैसे हम पिछले साल एकदम मर गए, लेकिन अजीत सिन्हा के यहाँ पुर्जी लिख करके दिए और फ्री में हमारा इलाज करवा दिए। डॉक्टर साहब इस इलाके का एक
बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे और ये पैसे के लिए ही डॉक्टरी नहीं करते थे, ये समाज की सेवा करते थे, गरीबों का बहुत ज़्यादा ये कदर करते थे। और एक ही चीज़, डॉक्टर ही ये नहीं थे, ये समाज के लिए एक चिंतक और एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति थे। और समाज सदैव समाज के संस्कृति, समाज का लड़का कैसे अच्छा बने, इसके लिए इन्होंने भविष्य भारती का निर्माण किया। आज कल का सभा करते थे बराबर, ये सब दिन इन्होंने ये कार्यशील रहे इसमें। और अब इनकी उम्र 97 वर्ष हो चुकी थी, थोड़ा आँख से कमज़ोर हो गए थे ज़रूर, लेकिन स्मरण शक्ति इनकी अभी भी बनी हुई थी। मैं बराबर इनसे बातें करता था और आध्यात्मिक चिंतन भी इनके पास काफ़ी था। ये सब इनकी खूबी थी और ये इस इलाके का पहचान थे, बड़ी बड़ी भूसारी परगना का ही ये पहचान थे। लेकिन इनके चल जाने के बाद अब नहीं उम्मीद, अभी निकट भविष्य में तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई इनके स्थान का पूर्ति करेंगे। मैं डॉक्टर साहब के बारे में इतना ही कहूँगा कि जो पटना भी पेशेंट जाता था, वो अगर कहीं गलत उसका डायग्नोसिस होता था तो उसको रिटर्न करके पुनः भेज देते थे और वहाँ पर से पुनः इनका जो डायग्नोसिस रहता था उसी को स्वीकार किया जाता था। तो ये इतने ही थे, केवल आला भी नहीं रहता था, मेरे लड़के को देख करके उन्होंने कह दिया कि इसको ये बीमारी है। डॉक्टर साहब बारे में हम क्या कहेंगे, डॉक्टर बिहुन आज मंझोल हो गया। इतना सुंदर डॉक्टर जिसको ये नकारते थे तो पटने में इलाज चलता था, बेगूसराय में इलाज नहीं चलता था। और क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब किसी को आज तक इलाज के बगैर घूरने नहीं दिए, अपना घूरने नहीं दिए और अच्छा से अच्छा इलाज किए। महान हस्ती थे बेगूसराय जिला के, शिक्षा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी। इनके चले जाने से इसकी क्षति, इस क्षति की पूर्ति संभव नहीं है, ये अमर रहे अमर रहे। तो वो अंकल ही थे, बचपन में उनसे बहुत बार दिखाए उखाए थे और बहुत यहाँ आदमी को सुविधा था, वो सुविधा अब नहीं मिलेगा। हमारे तो ससुर थे तो उनकी कमी तो हमको लगता है कि हर एक दिन हर एक साल रहेगी, तो और क्या कह सकते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका गुण, उनकी व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था, बहुत ही अच्छे थे। और अपने तो अपने, औरों के लिए भी, परिवार के लिए भी, सबके लिए एक समान थे, सबको एक दृष्टि से देखते थे, यही उनका व्यक्तित्व था। सबको एक दृष्टि से देखते थे, सबको अपना समझते थे, ऐसा नहीं कोई था कि कोई भी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी थे, कभी अपना पराये में कभी भेदभाव नहीं किए, सबको एक समान से देखते थे, गांव को हो या घर के हो या अपने परिवार के हो, सबको एक जैसे मानते थे। उनके उनका विचार जो था उसको शब्द में नहीं अंकित किया जा सकता है, वो देवता तुल्य थे। हर आदमी को एक नज़र से देखते, हर आदमी की दुख में दुखी और खुशी में खुशी रहते थे। चंद्रेश बाबू की जो क्षति हुई है या अपूर्णीय है, चिकित्सा जगत से एक सितारा कम हो गया हमारे बीच, हमें भगवान से उनकी आत्मा शांति प्रदान करें, और बहुत दुखद है। सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे जिनका कल शाम 8 बजे निधन हो गया। लंबे समय तक वो चिकित्सा के क्षेत्र में गरीब गुरुओं का सेवा करते रहे और आज उनको अपने बीच नहीं पाके हम अत्यंत मर्माहत हैं। इस कमी को हम आने वाले दिनों में नहीं भूल पाएंगे। गरीब गुरुओं का उनके ऊपर अथाह भरोसा था, सिर्फ मंझोल और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग ही नहीं, अपितु संपूर्ण बेगूसराय ज़िले के लोग उनके यहाँ अपना इलाज करवा के अपने आप को गौरवान्वित समझते थे। डॉक्टर साहब मंझोल ही नहीं बल्कि इस इलाके के
एक गरीब के मसीहा कहिए, गरीब के भगवान कहिए, आज इनके निधन पर मंझौलवासी ही नहीं बल्कि इस इर्द गिर्द के लोग काफ़ी दुखी हैं। और जो जगह इन्होंने अभी छोड़कर जा रहे हैं यह कोई भरने वाला भी नहीं है, और इतना अनुभवी डॉक्टर मंझौल ही नहीं, हम तो कहते हैं इस इलाके इस ज़िला में कोई नहीं थे, और ये मंझौल के डॉक्टर ही नहीं, हम लोग तो कहते हैं मंझौल के एक भगवान थे। डॉक्टर साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके जाने पर इस संपूर्ण क्षेत्र में शोक संतप्त छाया हुआ है और लोग काफ़ी मर्माहत हैं, काफ़ी दुखी हैं। लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब इस क्षेत्र के लिए मसीहा थे, गरीब रूहों का इलाज वो काफ़ी सेवा भाव के साथ करते थे, उनका जाना इस क्षेत्र ही नहीं संपूर्ण बेगूसराय नहीं संपूर्ण बिहार के चिकित्सा क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो हमारे बीच नहीं रहे लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, चूँकि हमारी कृति अमर होती है। तो डॉक्टर साहब की आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उन्हें मोक्ष प्रदान करे, यह पंच तत्व से रचित शरीर परमात्मा में विलीन हो, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। कैमरामैन विकास के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।